लो जी, रेडी हो गई है अपनी ब्रेकफास्ट के लिए चाय। गुड मॉर्निंग, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन काफी पहले शुरू हो गया था, एक और नई वीडियो की शुरुआत अब हो रही है। टाइम 9:23, ऑलमोस्ट 9:30 इन द मॉर्निंग। और यहां अपने ब्रेकफास्ट की हो गई है तैयारी। ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, जो काम है वो बाकी वो निपटा लेते हैं। कुछ घर के काम थे जिनमें हम रुझ गए थे, मतलब बिजी हो गए थे, और ये सब काम निपटाकर फिर रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। मीटिंग्स का दौर आज थोड़ा सा जल्दी शुरू हो जाएगा, तो भैया फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फटाफट से रेडी हो जाते हैं और फिर मिलते हैं आपको अगले अपडेट के साथ रेडी होके। हो गए हैं जी रेडी, और ये आ गई है अपनी कर्ड विद सम शुगर। और बाहर गर्मी का प्रकोप चालू हो चुका है, क्या प्रकोप चल रहा है वो गूगल से पूछ लेते हैं। भाई खुल जा, अरे थोड़ा सा बता दे। 39 डिग्री अभी हो गया है, और ये आज बहुत जबरदस्त तरीके से आगे जाने वाला है। कितना जाने वाला है? मेरा फोन थोड़ा सा स्लो है यार, आई एम सॉरी। हाँ जी बताइए सर, क्या है आपका हाल? 39 तो अभी से बता रहा है। टाइम हो गया है 12:29, ऑलमोस्ट 9:30 और 44 डिग्री तक का जो इसने बता रखा है टेम्परेचर जाएगा 4 बजे तक। सो इन 4 घंटों में ये बढ़ता 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 44 तक चला जाएगा, उसके बाद रिसीड होना शुरू होगा और फिर रात तक भी 31 डिग्री कल सुबह तक लगकर, मतलब गर्मी अब प्रॉपर वे में आ चुकी है, राइट? सो गर्मी है तो क्या हुआ, काम तो करना ही है ना यार। थोड़ा सा मिस्ट स्प्रे साथ में रख लेंगे, आंख पे काला चश्मा चढ़ा लेंगे, मुंह पे मास्क लगा लेंगे रुमाल का, और फिर मिस्ट स्प्रे डाल देंगे तो ठंडी ठंडी हवा आ जाएगी। अपने पास सारे तरीके हैं, यू नो। तो दही खा लेते हैं और फिर चलते हैं और मिलवाते हैं आपको अपने भाई साहब से भी। ओ जी आ गए विपिन जी। ये मेरी वीडियो रोज देखते हैं, मेरे को बताते रहते हैं कल तूने ये किया, कल ये किया। अब ये कल सुबह देखेंगे तो बोलेंगे हम मिले। चलो मीटिंग के लिए निकल रहे हैं और वहां पे वेट हो रही है, वहां पहुंच के फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ। चलो जी मीटिंग्स खत्म हो गई, विपिन जी को भी छोड़ दिया है मेट्रो स्टेशन पे, वो पहाड़गंज उन्होंने वापस जाना है किसी काम से, और उसके बाद आज ही अपने घर के लिए निकलेंगे शायद। आई एम नॉट श्योर, बट अभी तक का यही प्रोग्राम है कि वो कुरुक्षेत्र अपने घर के लिए निकल जाएंगे। और गर्मी इस टाइम पे बिल्कुल थपेड़े पड़ रहे हैं लू के। टाइम हो गया है 4:31, ऑलरेडी 4:30। मुँह भी सूख रहा है बार बार, पानी 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 पी के आफरा भी हो चुका है। तो फटाफट से कोशिश है कि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँ। हो ही गई है यार, बहुत गर्मी हो गई है, यू नो। तो है कुदरत है तो कुदरत के साथ मैं भी एकमेक हूँ यार। जब ठंड होती है तो ठंड होती है, जब गर्मी है तो गर्मी है, दोनों सहन रहे। चलो घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर अब मैं आपको मिलूंगा चाय पे। रेस्ट हो गया जी, बहुत बढ़िया वाला, इतने दिनों बाद रेस्ट हुआ है। और आपको पता है टाइम अब हो रहा है 7:27, क्योंकि भयंकर गर्मी थी इसलिए सोचा कि अभी कहीं नहीं निकलूंगा, और उसी चक्कर में चाय भी लेट हो गई हमारी आज। ये रहे कुकीज, ये रही हमारी चाय, और वो पीछे एक सेकंड दिखाता हूँ, ये देखो ये चल रही है हमारी जो महक चैनल पे हमारा जो एपिसोड इस बार शूट किया था इजहार का, जिसका टॉपिक था संगत, वो चल रहा है। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में, इनफैक्ट अभी इसका लिंक इस वीडियो में ऊपर आप आई बटन पे देख रहे होंगे, वो भी आप जाके देखिए, एंजॉय कीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वो बहुत पढ़ने वाला चैनल है और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आएंगी। इनफैक्ट अभी पंजाबी में है, बट समडे वी विल ऑल्सो शूट इट इन इंग्लिश, और कभी किसी दिन हम उसको हिंदी में भी शूट करेंगे, राइट? सो चाय पी लेते हैं, प्रोग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा और एक काम है वो भी कर लेते हैं, और फिर चलते हैं बाहर गेड़ी पे और आपको बाहर का हाल भी दिखाते हैं दोबारा। चलो जी निकल रहे हैं बाहर गेड़ी पे, टाइम हो गया है 8:14, जल्दी से गेड़ी मारते हैं और फिर वापसी में खाना लेके घर आते हैं। लो जी आ गए हैं बाहर सड़क पे, और ये आ गई है DTC की बस जो रुकेगी स्टैंड पे,
और पीछे से क्योंकि सिग्नल हो गया है इसलिए गाड़ियां आ रही हैं। हवा में गर्मी है, इट्स वार्म एयर, हॉट वाला काम तो नहीं है, खैर जो लू है वो भी वैसा नहीं, मतलब हल्का हल्का गर्म हवा तो है ही है, ये नहीं है कि सूरज छुप गया तो हवा ठंडी होगी, ऐसा भी नहीं है। और ट्रैफिक भी है, यहाँ आगे ना मोड़ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एकदम से अंदर से बाहर निकल के इधर जाने वाले भी होते हैं, सीधे जाने वाले भी होते हैं, तो क्लैश हो जाता है, ट्रैफिक का क्लैश हो जाता है यहाँ। और सामने से क्या जोरदार स्पीड से गाड़ी चल रही है, ये जो ऐसे मिनी बस वाले होते हैं ना सामने जो जा रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, और पता नहीं क्यों इनको रोकने वाला भी कोई नहीं होता है, क्या अरेंजमेंट है इनका, अब क्या बोलूं, आप समझदार हो। और ये अंदर वाली रोड पे भी ट्रैफिक है ही है, सामने से देखो कैसे गाड़ियों की लाइन ही लगी पड़ी है, कार्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, एसयूवीज, ये देखो। और अभी ये बीच में थोड़ा सा गैप है पर पीछे फिर वही लाइन शुरू हो गई है, ये देखो। और कॉलोनी का माहौल वो भी देख लेते हैं, लोग तो हैं जी। और यहाँ पे थोड़ा ठंडा होता है, जैसे मैं रोज बोलता हूँ यहाँ, क्योंकि पेड़ है ऊपर दोनों तरफ, ये देखो, और घने घने पेड़ हैं, ऐसा नहीं है कोई ऐसे ही पेड़ हैं, घने घने पेड़ हैं यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर जो है बाहर रोड के मुकाबले थोड़ा सा कम रहता है। चलो अपनी गेड़ी चल रही है जी, हम भी चल रहे हैं, गेड़ी भी हो गई है और जो बाहर के सारे काम थे अब तक के वो भी निपटा लिए हैं, जिनको मिलना था वो भी मिल लिया है, मतलब जो भी काम था आज दिन का वो हो गया है ख़त्म अभी तक का, आगे अगर कुछ आ जाए तो कुछ कह नहीं सकता। और चल रहे हैं आप घर पे, रास्ते में से कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं और मिलते हैं घर पहुंच के। अब पहुंच गए हैं घर पे, खाने को भी लेते आए थे कुछ, जूस निकल गया है। दोपहर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी इस टाइम पे जाते हैं ना गेड़ी पे, तो यहाँ पे भी गर्मी लग गई और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते यार 3 मंजिल हालत बुरी हो गई, राइट। सो खाना खा लेते हैं और बाकी के काम भी करने हैं, ये वीडियो एडिट भी करनी, तो इसको यहीं पे करते हैं खत्म। यहां तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, कुछ अच्छा लगा या बुरा तो कमेंट्स और ईमेल आपके लिए खुली हुई है, राइट। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।